लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फाइव इज राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये बताना है कि इसके कौन सा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये दो इक्वेशन का तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री वाई और दूसरी इक्वेशन है हमारी टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई हुई है तो हम पहले ए वन ए टू निकाल लेंगे ए वन है वन ए टू है टू बी वन है थ्री और बी टू है सिक्स सी वन है हमारा माइनस फोर और सी टू है हमारा माइनस सेवन अब आप देखिए अब आपको देखने से ही लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था करके कि ये यूनिक सॉल्यूशन है नहीं ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है नहीं ये नहीं है देखिए लेकिन अगर आप यहीं पे देखें तो ये वन अपॉइंट टू है अगर आप इसे देखें तो ये ऑब्वियसली कट जाएगा थ्री वन जो थ्री थ्री टू ज सिक्स तो ये भी वन अपॉइंट टू आ जाएगा तो दैट मीन्स ए वन ए टू इक्वल आ रहा है बी वन बी टू के तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है या तो इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है अब सी वन सी टू देखें तो माइनस से माइनस कट गया और फोर अपॉइंट सेवन आ गया तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे इसके तो हमारा ये कंडीशन किस में होती थी नो no सॉल्यूशन में तो आप चाहें तो करके दिखा सकते हैं आप चाहें तो ना करके दिखाएं लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ फॉर यूनिक सॉल्यूशन देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल आने चाहिए बी वन अपॉन बी टू के तो ए वन अपॉन ए टू क्या है वन अपॉन टू क्या वो नॉट इक्वल है थ्री अपॉन सिक्स के देखिए थ्री वन जो थ्री थ्री टू सिक्स ये तो इक्वल है ए वन अपॉन ए टू इक्वल है ए वन बी वन अपॉन बी टू के तो ये वाली कंडीशन प्रूफ नहीं होती यूनिक सॉल्यूशन वाली राइट तो ये इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता था वो होता था हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू जब हमारी लाइन कोइनसाइड करती थी तो हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आता था तो ए वन अपॉन ए टू क्या है वन अपॉन टू इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स बी वन बी टू और इक्वल्स टू माइनस फोर अपॉन माइनस सेवन है कि नहीं है ये देखिए थ्री वन अपॉन टू माइनस से माइनस कैंसिल हुआ लेकिन ये फोर अपॉन सेवन वन अपॉन टू के इक्वल नहीं है तो ये इस इट मीन्स ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है अब फोर्स फॉर नो सॉल्यूशन देखते हैं फॉर नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कब होता था जब लाइंस पैरेलल जाती थी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती थी या एक भी एक और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाती थी तो ए वन अब इसकी कंडीशन होती थी ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ए वन अपॉन ए टू है वन अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू है थ्री अपॉन सिक्स नॉट इक्वल टू सी वन सी टू कितना है हमारा दैट इज माइनस फोर अपॉन माइनस सेवन तो यहां पे लिख दिया हमने माइनस फोर अपॉन माइनस सेवन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स तो ये कितना आ गया वन अपॉन्ट टू इक्वल्स टू वन अपॉन्ट टू बट इट नॉट इक्वल्स टू फोर अपॉइंट सेवन तो हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली तो दैट मीन्स हैस अबव इक्वेशन हैज अब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आंसर